हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज यूसुफ एंड यू वाचिंग एजुकेशन विद सक्सेस। आज हम बात करने वाले संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रीएम्बल जिस देश ने अपनाया वो अमेरिका था। उसके बाद इसे कई देशों ने अपनाया, जिसमें भारत भी एक है। इस प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी कि प्रीएम्बल को जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था और इसे उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी आपके सामने एक फोटो होगा जो कि संविधान की प्रस्तावना का है। इसमें जो जो शब्द दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, उसके मतलब को अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसका मतलब यही है कि ना तो भारत किसी देश के अंडर में है, जैसा कि पहले ब्रिटिश राज्य में था। दूसरा, वो किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, यानी कि उसके पास जो शक्ति है वो खुद की है, उसे ये शक्ति किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, और वो अपनी शक्तियों का जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकता है। इसके लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश को इसका प्रमुख माना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत की शक्ति, भारत के पावर या फिर उसके द्वारा बनाई गई नीतियों के ऊपर कोई प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं समाजवादी के बारे में। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब यही है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत का जो समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। इसके कहने का मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि जहां सार्वजनिक यानी कि पब्लिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का समन्वय, दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार सहयोग करते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसमें यह धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारत के मौलिक अधिकार यानी कि भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धर्म के बारे में कहा गया है, यानी कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, इस प्रकार के किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसमें लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। भारत में इसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि भारत की जनता अपने चुने गए प्रतिनिधि यानी कि उन्होंने जिसे वोट दिया है उससे चुनकर उसके द्वारा नियम कानून बनाकर हमारे समाज का शासन चलाते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। और हमारा जो लोकतंत्र वो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं, यानी कि उन्होंने जितनी भी नीतियां और कार्य किए हैं वो जो भी करते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है, यानी कि उन्हें लेजिस्लेचर में जवाब देना जरूरी है।
संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक के बारे में। तो ये दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला राजशाही जैसा कि इंग्लैंड में, दूसरा गणतंत्र जैसा कि अमेरिका में है। राजशाही का मतलब ऐसा यही हो गया जो उत्तराधिकार यानी दिन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से, अगर महारानी विक्टोरिया है तो उसका कोई बेटा या बेटी होगा तो वो भी वहाँ का राजा बनेगा, तो वो आनुवंशिक है यानी कि पीढ़ी दर जनरेशन बाय जनरेशन वही चलता जाएगा। जबकि दूसरा जो है वो है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, जो कि अमेरिका में है। वहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से चुनकर राष्ट्रपति वहाँ के शासन के लिए जिम्मेदार होता है, वहाँ के शासन के लिए बनकर आता है ताकि वो वहाँ का शासन संभाल सके। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब यही है कि भारत का जो मेन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। राष्ट्रपति का चुनाव MLA MP के द्वारा किया जाता है और वो 5 वर्ष के लिए चुनकर इनडायरेक्ट रूप से आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति यानी किसी राजा के हाथों में नहीं होती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे देश का शासन हमारे हाथों में ही है। वो अलग बात है कि हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने देश पर शासन चलाते हैं। दूसरी ओर किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। इसका मतलब यही है कि जैसे भी कोई भी पब्लिक कार्यालय कि बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुला होगा। अब जो अगला है वो है न्याय, जिसे 3 भागों में बांटा गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए कि नहीं ये इस जाति का, ये इस रंग का, या फिर ये लड़का है, ये लड़की है, उस आधार पर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए और उसके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए। लेकिन इसमें SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग जो भी हैं और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया। अब बात करते हैं आर्थिक न्याय का अर्थ, यानी इसका मतलब यही है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो उसके साथ गरीबी के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, और अगर कोई अमीर है तो उसके साथ भेदभाव ना किया जाए कि अरे भाई ये तो अमीर है, हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं, या फिर भाई अगर कोई इंसान गरीब है तो उसके साथ इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये तो गरीब है। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय के अर्थ के बारे में। यह हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में एंट्रेंस की बात हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, वो सभी के पास है। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो ये फैक्ट लिया गया है वो 1917 की रूस क्रांति से लिया गया है। अब जो अगला है वो है स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यही है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। इसका मतलब यही है कि जो भी लोग हैं उनके काम में किसी प्रकार का उन्हें रोका ना जाए, उनके विकास के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें दी जाए। प्रीएम्बल में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी सुरक्षित की गई है। अगर उनके अधिकारों का हनन या फिर उनके अधिकारों का
को छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि जैसे कोर्टों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे कि प्रीएम्बल में कहा भी गया है, भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को सफलतापूर्वक यानी कि अच्छे से चलाने के लिए स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने का, कुछ भी करने का उसे लाइसेंस मिल गया होगा कि भाई तू उसे मार सकता है, भाई तू उसे पीट सकता है। और वो सारे जैसे कि सलमान खान हिट एंड टर्न वाला केस था, यानी सलमान खान ने किसी के ऊपर चढ़ा दिया, तो वो उस तरह की आज़ादी नहीं है। क्योंकि आपको आज़ादी मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। संविधान यानी कि संविधान के प्रीएम्बल में जो इंडिपेंडेंस दिया गया उसका मतलब सिर्फ इतना है कि संविधान में जितने अधिकार दिए गए उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, संविधान के द्वारा दिए गए जितने भी अधिकार हैं उनके द्वारा दिए गए अधिकारों के अंतर्गत उसके अंडर में रह करके अगर आप कोई काम करते हैं तो वो संवैधानिक स्वतंत्रता का अंग है, यानी कि वह स्वतंत्रता का ही बात है। तो संविधान में जितनी भी सीमाएं दी गई हैं उनके भीतर काम करें। अगला जो है वो है समता। समता का मतलब होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि उसे कोई भी ऐसा मतलब विशेष अधिकार ना दिया जाए और बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की व्यवस्था हो। मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते, जिसमें है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14। इसका मतलब यही है कि जित नियम है उनके सामने सबको इक्वल समझा जाएगा। आर्टिकल 15 जो है उसके हिसाब से धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन सबके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाएगा संविधान के हिसाब से। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता यानी कि आर्टिकल 16, यानी कि सपोज दैट आप यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिले, आर्टिकल 16 में वही कहा गया। अगला जो है आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब यही है कि पहले जो कहा जाता था कि ये इंसान अछूत है, इसके साथ हम खा नहीं सकते, इसके साथ हम पी नहीं सकते, पहले ऐसे लोगों को गांव के बाहर या फिर शहर के बाहर रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी भारतीय संस्कृति डेवलप होती गई, जैसे जैसे उन चीज़ों को बुरा समझते गए, उस तरह के अस्पृश्यता का संविधान ने भी इसका अंत कर दिया है। इसका मतलब यही है कि किसी भी इंसान को छोटा ना समझा जाए या फिर उसे चमार इत्यादि की संज्ञा ना दी जाए, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना किया जाए। अगला जो है उपाधियों का अंत यानी कि आर्टिकल 80। इसमें संविधान में दो ऐसे सिस्टम हैं जो राजनीतिक इक्वालिटी को सुनिश्चित करते दिखते हैं। पहला है धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अयोग्य यानी कि अनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा, आर्टिकल 325। दूसरा है लोकसभा, विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान यानी आर्टिकल 326। इसका मतलब यही है कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है वो लोकसभा, विधानसभा में अपना वोट दे सकता है। वह चाहे किसी भी प्रतिनिधि को चुनना चाहे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो। अगला है बंधुत्व। इसका मतलब होता है भाईचारे की भावना। इस भावना को बढ़ाने के लिए ही भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता मतलब ये हो गया कि भारत सिर्फ भारतीयता का यानी कि सिटीजनशिप देगा, यानी कि सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं, ना कि अमेरिका की तरह जहाँ
उन्हें उन लोगों जहाँ अमेरिका में रहने वाले लोगों को दो सिटीजनशिप मिलती है। पहला तो कंट्री देता है कि आप अमेरिका के निवासी हैं, आप अमेरिका के नागरिक हैं। दूसरा में रह रहे वह राज्य उस व्यक्ति को राज्य की तरफ से नागरिकता प्राप्त करता है, तो इससे लोगों में भेदभाव ना हो, जिसके कारण एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया ताकि लोगों में भाईचारे की भावना बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। इसके हिसाब से जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य, उनकी यह ड्यूटी है कि वो, हर भारतीय नागरिक का यह ड्यूटी है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करें। इसका मतलब यही है कि वह किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना करें और सभी के साथ इक्वल व्यवहार करें, जिसमें यह बताया गया कि पहला तो यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, उसे रिस्पेक्ट दे, उसका सम्मान करे। दूसरा है वो देश की एकता और अखंडता का ख्याल रखे। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो था मैंने वो आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपकी कोई क्वेरीज यानी कि कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व। उसका इम्पोर्टेंस तो वाकई में बहुत है, क्योंकि यही एक प्रस्तावना का महत्व यही है कि वो मतलब एक पेज में ही वो पूरे संविधान को जज कर देता है कि संविधान में इतनी सारी चीजों को एक संविधान में उल्लेख किया गया और हर एक चीज को बारीकी से अच्छे ढंग से समझाया गया। वो भले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मैक्सिमम वकीलों को ज्यादा बेटर समझ में आता है कंपेयर देन जनरल सिटीजन को, तो वो अलग बात है। लेकिन प्रीएम्बल जो है वो एक पेज में ही पूरे संविधान को उसने स्पष्ट कर दिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो मामला आया था बेरुबाड़ी संघ मामला यानी कि 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके उस फैसले को उसने पलट कर अपनी यह व्याख्या को चेंज कर दिया कि अब प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है या फिर उसकी संभावना है। तो केशवानंद भारतीय मामले यानी कि 1973 में यह बात उठा था, यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट हुआ तो 1973 के बाद, तो उसके बाद यह मान लिया गया कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान के संशोधन के हिसाब से प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो मूल विशेषताएं हैं उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना केवल एक ही बार संशोधित किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इसके जरिए तीन नए शब्दों को जोड़ा गया
जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को लीगल ठहराया गया था। तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ।